brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को दफनाया जा चुका है और इन सब के बीच में अब बवाल ईरान और तुर्की के बीच में छिड़ चुका है। रईसी की मौत के साथ ही ईरान और तुर्की अब आमने सामने हो गए हैं, एक दूसरे के साथ भिड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। खबर है कि ईरान और तुर्की के बीच इस बात को लेकर संघर्ष चल रहा है कि आखिर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को किसने ढूंढा। तुर्की का मानना है कि उसने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर समय रहते ढूंढ लिया था। हालांकि ईरान का मानना ये है कि ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को ढूंढने में तुर्की के ड्रोन का कोई हाथ नहीं था। तुर्की के परिवहन मंत्री अब्दुल कादिर उर्लुगोलू ने सीएनएन तुर्की टीवी को बताया था कि तुर्की के ड्रोन अकिंची को ये मलबा मिला क्योंकि ईरान द्वारा घोषित खोज का समय और स्थान उस समय और स्थान से मेल नहीं खाता जब और जहां ड्रोन ने इसे ढूंढा था। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल सहित 7 अन्य लोगों को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद ईरान ने तुर्की से मदद मांगी थी। तुर्की ने भी अपने स्तर पर मदद भेजी और फिर तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि उनसे जैसी मदद मांगी गई थी उन्होंने उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी होने के नाते हम उस देश की मदद करने के लिए दौड़ पड़े थे जिसने सहायता मांगी थी और हमने ऐसा पूरी तरह सही तरीके से किया। वहीं ईरान इसे लेकर पहले ही अलग दावा कर चुका है। ये साफ कर चुका है कि ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को तुर्की के ड्रोन ने नहीं ढूंढा था। ईरान का दावा है कि हेलीकॉप्टर खुद ईरान ने ढूंढा। जाहिर है तुर्की का ये बयान ईरान को अपमान जैसा लग रहा है क्योंकि इसे लेकर ईरान की खूब थूथू हो रही है। पहले ईरान पुराने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अपने राष्ट्रपति के दौरे के लिए करके पूरी तरह फंसा हुआ है और उस पर भी अपने राष्ट्रपति की लोकेशन को ढूंढ ना पाना और भी ज्यादा अपमानजनक है। ईरान की सेना का मानना है कि उस समय हिंद महासागर में ईरान के अपने उन्नत ड्रोन पहुंच से बाहर थे लेकिन उन्हें वापस बुला लिया गया था। बता दें तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोगान ने भी इस बात पर जोर दिया कि अकिंची ड्रोन क्यों ईरानी सरकार के आदेश पर भेजा गया था। अर्दोगान ने प्रतिकूल मौसम में ड्रोन के लचीलेपन पर प्रकाश डालते हुए इसके व्यापक खोज प्रयास पर खूब वाहवाही लूटी। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि तुर्की के ड्रोन द्वारा हेलीकॉप्टर के मलबे की पहचान हुई। ईरान के पूर्वी अजरबैजान में उस हेलीकॉप्टर को खोज लिया गया और रईसी का भी पता लगाया गया। अब इसे लेकर दोनों के बीच बड़ा तनाव जारी है। दोनों के बीच पहले ड्रोन निर्माण को लेकर एक प्रतिस्पर्धा रही है। ईरान और तुर्की दोनों ही अपने आप को ड्रोन को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन अब दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ने के लिए तैयार हैं। इस बात को लेकर ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर किसने ढूंढा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।